अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बड़े दिनों के बाद मैं आपके सामने लाइव आ रही हूँ। और आपको पता है पिछले दिनों में जो भी हादसा हुआ, आप लोगों का इतना मोहब्बत भरा मेरे साथ साथ था, और आपके हौसले की वजह से मैं आज फिर आपको नज़र आ रही हूँ। और आज स्पेशल मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवा रही हूँ जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और बड़े खूबसूरत इंसान और दिल की भी बहुत खूबसूरत, मेरी भी उनसे फर्स्ट मुलाकात है, तो आप भी मिलिएगा इंशाल्लाह, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी गुजर साहब। वालेकुम अस्सलाम, मेरी माँ को अपने घर में दिल की तहे गहराई से वेलकम। थैंक यू, इतना अच्छा इखलाक आपका, जितना बड़ा नाम, जितना वो कहते हैं ना इंसान का रख रखाव, अगर उसका दिल भी इतना खूबसूरत हो तो मैं समझती हूँ बहुत लकी हैं आपके, अल्लाह ने आपको इतनी कम उम्र में इतना नाम दिया और इतना मुकाम दिया। और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिल के, और ये जो आपके मैंने शौक देखे शेर पालना आपने बंदों के साथ, इंसानों के साथ, बिल्लियाँ, ये सारा कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आपका कैसे इतना बड़ा शौक ये घर में शेर रखना? मेरी अम्मी मुझे कहते होते थे ना, जब अबू चले जाते थे ना आउट ऑफ कंट्री, तो जब वो वापस आते थे तो मैंने कोई ना कोई ऐसी आउट काम किया होता था जिससे ना मुझे उसकी सजा में होगी। अच्छा। तो वो पेट की शक्ल में ही अक्सर रहा है। तो मेरी अम्मी कहते थे तुम सब्र करो, अल्लाह पाक सब्र वालों के साथ है, तो वो तुम्हारे हक में बेहतर है ना तुम्हारे डैड, अभी तुम्हारा इसका टाइम नहीं है। तो जब तुम टाइम आएगा तो जिन चीज़ों के लिए आज लोग भाग रहे हैं तब वो चीज़ें तुम्हारे लिए भागेंगी। बड़ों की बड़ी बात। तो टू बी ऑनेस्टली ये ऐसे ही हुआ कि मैंने अपनी माँ को फॉलो अच्छे किया, और मैंने भी कुछ ऐसे साल आए कि मैंने बहुत सारी ऐसे पेट थे जो मुझे गिफ्ट की शक्ल में मिले, लेकिन मैंने अपनी माँ की बात को हमेशा अव्वल जाना। आपकी मामा बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, मैंने देखी। और आपका भी जो लोगों से सलूक मोहब्बत प्यार है, जो आपको यहाँ पे बार बार मिलने आती है, ये मैं समझती हूँ वो बड़ा लकी बंदा होता है जिसको हर बंदा मिलने की ख्वाहिश करता है, और जब वो जाए तो वो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करे। सब कुछ दुनिया में इधर ही रह जाना, लेकिन इंसान का इखलाक और प्यार मोहब्बत, ये बातें याद रह जाती हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक्य सुनाइएगा। दिलचस्प वाक्य आप बता दो, चूँकि आप मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको वो बात बता सकूँ, मैं किसी और को भी ना बताई हूँ, ये आपके आपकी इज्जत और आपके तकद्दस को गिफ्ट होगा मेरी तरफ से इंशाल्लाह। मैंने ऐसे किया कि एक दफ़ा ना मेरी वालदा ने जब वो चूड़ियाँ बेची मेरे लिए ना, तो जब बिगनिंग में घर से निकला तो ये 33,000 की बिकी थी, और ये उनके हाथ में लास्ट चूड़ियाँ थी ना गोल्ड की, और औरत के लिए गोल्ड क्या मैटर करता है या उसके लिए कितनी अहमियत रखता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। चाहे उसके पास दुनिया में खाने के लिए कुछ होना हो, जेवर का उसके लगाओ अपनी छत, और एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये होती है और इतना कमजोर है ना, तो उसके पास एक एसिड होता है, तो उस एसिड की वजह से उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि आई एम नॉट अलोन, आई कैन डू समथिंग। सो मेरी वालदा ने वो सारा कुछ अपने बच्चों के लिए रखा हुआ था, और उन्होंने वो कर दिखाया कि आखिरी चूड़ियाँ भी मुझे उतार के दे दी। तो जब वो मैंने चूड़ियाँ बेची थी ना, तो उस वक्त तो वो 33,000 की बिकी, और जब वक्त ऐसा आया कि मैं अपनी वालदा को उमरा करके आए हैं मेरे भाई के साथ जैन के साथ, तो मैंने अपनी वालदा को दुबई ले गया। दिमाग की दुकान के ऊपर एंटर हुए हम, तो अम्मी ने ना 3, 4, 5, 6, 7 डिजाइन देखे, मुख्तलिफ सेट देखे, उनमें से जो सबसे कम कीमत था ना अम्मी ने वो ओके कर लिया, तो मैंने वो ले लिया अम्मी के सामने। जब गाड़ी में आए तो उस क्यू में जितने सेट थे ना, जिस पे मेरी माँ की नजर पड़ी, चूड़ी थी, हार था, जो भी था, ये उस वक्त बने थे कोई 70 लाख रुपए, तो मैंने वो सभी ले लिए थे। तो मैं वो लेकिन मैं उन चूड़ियों का बदला नहीं दे सकता। वाह वाह, वो जज्बा, वो जुनून उनका उस वक्त थी वो। मेरे पास और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे देने को उस आखिरी चीज के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता। उनकी एज देखे, उनका टाइम देखे, और मेरे लिए वो कुर्बानी क्या दे रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि मैंने जब वो दिया तो मेरी माँ मेरा चेहरा देख ली, मैंने कहा माँ ये सब कुछ तेरे पांव की खाक से ज्यादा महंगा नहीं है। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
दोस्तों ये थे खुर्रम गुजर साहब, आप देखिए इन्होंने कितनी खूबसूरत अपने माँ के लिए लफ्ज़ बोले और अपनी माँ की इतनी कदरदान, इतनी मोहब्बत करते हैं। वो तो मैं जब घर में एंटर हुई, इनकी तस्वीर दिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो औलाद जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, बच्चे जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, और आज उन्होंने कितनी साफ वो बातें की और अपना वो सारा स्टार्ट का और एंड तक बताया। और मैं हमेशा ये इनके लिए दुआ करूंगी, सलामत जिंदगी दे, सेहत दे। आपके बेटे का सुन के मुझे बहुत अफसोस है, और मैं इसको लफ्जों की नजर करके तो आपके उस जख्म को तो नहीं फील कर सकता, लेकिन ये आपको जो इज्जत दे रहा हूँ ये उसी एहसास का नाम है जो एक बेटे से माँ को चाहिए। जी, दिल्कुल, दिल्कुल। तो ये आपको हमेशा मुझे लगता हमारे पाकिस्तान में हर एक मर्द से मिलनी चाहिए। जी, दिल्कुल। और अल्लाह पाक मेरे भाई का अगला सफर आसान फरमाए और आपको सब्र जमील दे। आमीन, आमीन। और आप यकीन करेंगे कि ये सलमान के बाद ये फर्स्ट इंटरव्यू मैं आपका कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 महीने मेरी ऑडियंस को पता है, मेरे प्यार करने वालों को पता है कि वो कितना इंतजार कर रहे थे कि मैं लाइव आऊँ, लेकिन मैं अभी आ नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ दो माह तो उसके वो प्रॉब्लम गोली लगने से वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसके बाद अचानक उसकी डेथ की। ऐसी माँ को यार सब लोग सलूट पेश करो यार, कि आज आपके सामने बैठे हुए कितना कलेजा चाहिए। ये पत्थर जैसे भी हो ना तो खुदा की कसम अंदर से ये मोती होते हैं। तो बस मैं ये कहूँगा कि आपको हमेशा मेरे दिल की तहत गहराइयों से वेलकम है, और कभी भी मेरे लायक कभी किसी मैदान में कोई खुद हुक्म हो आप मुझे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू दोस्तों, आप ये इंटरव्यू देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे, और माशाल्लाह बहुत इन्होंने प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट की, और सलमान का बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया, और शायद इसी वजह से मुझे भी बहुत प्यार करके मेरा इंटरव्यू इन्होंने करवाया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे।